by Asya Jaffer. हम कर सकते हैं, हमें अपना मौजूदा हजरात हमें ज्वाइन किया है और इस वक्त मौजूदा सूबाई हुकूमत और वज़ीर आज़म सूबाई असेंबली में ऐसे कानून पास किए जा जिसने जुबान को बोलने का सलीका मिस्टर खालिद नाइल है वो 2002 से जो है इस और बलूचिस्तान की यूनिवर्सिटीज को 8 से 10 करोड़ रुपए की यहाँ मौजूद दिस बुक डोनेशन सेरेमनी अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल बुक डे अदा किया जा चुका है और जितना किया जाए वो कम है। वुमेन यूनिवर्सिटी का रियाज साहब का और यहाँ बैठे हुए मेहमानों ने बात की है एबर्ट आपने स्कूलों के अंदर से बच्चों के अंदर डेवलप कर बहुत ज़्यादा चाहूँगा कि आप उनके लिए क्लैप करें कि उनका बहुत और इस दिन का हम इंतज़ार करते रहें क्योंकि मैं खुद ले सकते हैं वो कंपटीशन से नहीं है कि मैं अपने लोग फैकल्टी की ज़रूरत पड़ती है सैकड़ों इस वक्त जिन फैकल्टी कोटा के अंदर मौजूद है इसके हमारी प्रोविंस के अंदर है और ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको जो है ये मुख्तलिफ आप सोचेंगे केपीके के बंदे हरिपुर उनसे भी बहुत दरमियान के अंदर वहाँ से आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आए हैं बुक्स लेकर आए हैं और इस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ क्योंकि हमारी जो सब कैंपसेज हैं उनकी NOC रुकी हुई है कि जब तक आपके पास तकरीबन 1500 से लेकर 2000 तक बुक्स नहीं होंगी आपको NOC नहीं मिलेगी। अब हमारे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे पास इतनी बुक्स आएंगी हमारी मेन लाइब्रेरी में आएंगी इसके अलावा हमारे सब कैंपसेज में आएंगी हमारी NOC मिलेगी और हमारे पास इस वक्त जो है हमने 2 लाइब्रेरीज बनाई हैं एक इंशाल्लाह हम पूरी कम्प्लीटली 2 पर डिजिटल लैब कर देंगे और दूसरी के अंदर हार्ड बुक्स जो हैं आप लोगों की आएंगे 30,000 देखिए 30,000 बुक्स जो है वो बहुत बड़ी मिकदार होती है आप इस पैसे से अभी हम कल से इसको अनलोड कर रहे हैं तो हमें पता चलता है कि इसकी तादाद कितनी होती है बहुत सी बार लाइब्रेरी में 30,000 बुक्स नहीं होती इकट्ठी
जो आपको जो है इस वक्त एक गिफ्ट के तौर पर, बहुत सारी इंटरनेशनल बुक्स हैं, आपकी रेफरेंसेस बुक्स हैं। एक बात क्योंकि आज के दिन के हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ बच्चों, हमेशा रिलेशन, हमेशा जो है चीज़ें वक्त मांगती हैं, उन्हें वक्त देना पड़ता है, वक्त बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आप रिलेशन बना नहीं सकते, आप रिलेशन ग्रो नहीं कर सकते, आप किसी इंस्टीट्यूट को बढ़ा नहीं सकते जब तक आप उसको टाइम नहीं देते। टाइम बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप चाहे टेक्नोलॉजी जितनी भी बढ़ जाए, जितना भी आप आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा टाइम जैसे अपने प्यारों को देते हैं, अपने रिलेशन को देते हैं, वैसे थोड़ा सा टाइम आपको ये हार्ड बुक्स को देना पड़ेगा। ई बुक चाहे आप पढ़ लें, हम किसी चीज़ से आपको नहीं रोकते, आप वक्त को रोक नहीं सकते, टेक्नोलॉजी को रोक नहीं सकते हैं। आप पूरी तवज्जो, थोड़ा सा टाइम अपने पूरे टाइम में से कुछ आधा घंटा एक घंटा बुक को दें, उसे पढ़ें, आपको ज़िंदगी को आसानी। अगर आप अपना रिलेशन मजबूत करते हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से आपका एक रिलेशन बुक के साथ बनता है और वो मजबूत होता चला जाता है। ज़िंदगी आपको बहुत मुश्किल से सिखाती है, बहुत से तकलीफ आपको उठानी पड़ती है, लेकिन आप बहुत आसानी से बुक से सीख सकते हैं कि दुनिया कैसा सोचती है, मेल की ज़हनियत कैसी है, फीमेल की ज़हनियत कैसी है, हमारा आपस में कैसे रिस्पेक्ट का रिश्ता है, हमने कैसे चलना है, बहुत सी चीज़ें हम इन बुक से सीखते हैं और उन्हें सीखना चाहिए। मैं लास्ट के अंदर जो है ज़हूर साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ, उनकी टीम की, जितने भी यहाँ मिनिस्टर जो वगैरह आए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, उनकी बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप SBK में आए। आपके आने से एक बच्चों में हौसला अफजाई होती है और हमें भी थोड़ा सा एहसास होता है कि आप हमारी ग्रोथ को देख सकें कि हमने कैसे ग्रोथ करी। छोटी सी बात है ज़हूर साहब के लिए, सर आप ये मत समझें कि ये आम ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी है, ये ऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी इस लिहाज से नहीं है कि ये बहुत मुश्किलों से, हम ये नहीं कहते कि हम बेस्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमारा कोई एक दिन भी ऐसा नहीं है कि हमने आगे कदम नहीं बढ़ाया, हमारा हर कदम आगे की तरफ है, हम पीछे की तरफ नहीं जा रहे। और इंशाल्लाह हम बेस्ट यूनिवर्सिटी ना सिर्फ पाकिस्तान की बल्कि दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में अपना शुमार करके रहेंगे और ये हमारा प्रोफेसर की जात के साथ। इस यूनिवर्सिटी में बहुत से मुश्किल हालात देखे हैं, ये बच्चियाँ आम ऑर्डिनरी नहीं हैं, इनके पेरेंट्स आम ऑर्डिनरी नहीं हैं, क्योंकि बुरे हालात से उठना ये यूनिवर्सिटी 2013 में बन रही है, स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 1500 थी, आज 10,000 बच्चियाँ हैं, तो ये इसको आम बात ना कहें आप, ये आम बच्चियाँ नहीं हैं, इनके पेरेंट्स आम नहीं हैं जिन्होंने इतनी बहादुरी से बच्चों को दोबारा से किया, और आज ये यूनिवर्सिटी की ग्रोथ जो है सिर्फ इन बच्चियों की वजह से है कि इनके बच्चों के इनके पेरेंट्स ने हमें दोबारा से ये ट्रस्ट दिया कि वो अपनी बच्चियों को इस यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं। हमारे सब कैंपसेस भी बहुत अच्छे माशाल्लाह काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप उनको देखेंगे कि वो भी अपनी जगह पर फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी 3-4 ईयर्स में बन जाएंगे। तो बहुत शुक्रिया कि आप आए और हमारी इसको इस तकरीब को जो है आपने इज्जत बख्शी है। मैं डॉक्टर साहब का जोहरीपुर से तशरीफ़ लाए हैं, सर बहुत से अजर अल्लाह ताला के पास होते हैं, हर इंसान उसका अजर नहीं दे सकता, बहुत से गिफ्ट ऐसे होते हैं जिसका नेमुल बदल कुछ नहीं है, जिसमें अल्फाज का कोई अहमियत नहीं रखते। आप जो ये तोहफा दे के जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी को दे के जा रहे हैं, बलोचिस्तान की 6 यूनिवर्सिटी को दे के जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये सदियों तक याद रखा जाएगा। हमारी लाइब्रेरी बहुत साल तक जब तक आपको पढ़ेंगे तो ये आपका एक सदका जारिया है, ये आपको सवाब का सबब इसका बनेगा। और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि ज़िंदगी में अगर आपके पास कोई ऐसा अच्छा दोबारा से कोई प्रोजेक्ट आया तो आप हमारा साथ देंगे, हमें याद रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चांसलर स्पीकर रुखसाना जमीन साहिबा, माय कैबिनेट कोलीग मिनिस्टर PHE नूर मोहम्मद उमर साहेब, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली कादर नायल साहेब, तनिश कुमार मेंबर प्रोविंशियल असेंबली, मेंबर प्रोविंशियल असेंबली बुशरा अरन साहिबा, फैकल्टी स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। It is a great pleasure for me for being invited in this book donation ceremony. On behalf of Government of Balochistan and the people of Balochistan, I am extremely grateful to Riaz Muhammad,
chairman Pan Humanity, who have donated 30,000 books to this university, which shows his commitment, his efforts for the education and book reading culture throughout Pakistan. I am extremely grateful to you. Let me apprise you students and chairman that Government of Balochistan is creating a conducive environment for book reading culture in Balochistan. Now we have 62 public libraries, out of which 17 are functional. And the government is trying its best and has proposed in this budget in the upcoming fiscal year, we are creating the vacancies for rest of 45 libraries throughout the province. When I had the portfolio of higher education, I proposed 5 digital libraries in Quetta Kent College, CB College, Turbat College and Job College, which would be affiliated with HEC for its functioning, and they are being placed in the public sector development program, and we will allocate funds for these libraries. And for the future, we are going to digitalize all the public libraries of colleges in the province. This shows the government commitment for creating a book reading culture in the province. You know it very well. No nation, no country has progressed without book reading, without research, without upholding their schools and colleges. After formation of the cabinet, we have declared educational emergency in Balochistan. And now, the Chief Minister Jam Kamal's vision for educated and prosperous Balochistan, 10,000 vacancies are being filled by Secondary Education Department. We have the shortfall of teachers in college sector. So we are appointing more than 600 teachers on ad hoc to fill the shortfall. After filling these vacancies, there will be a change in education. Not for only education, we are ensuring quality education. For that matter, we have prepared a bill, Balochistan Education Council, which would integrate universities, schools and colleges. And bill is ready for approval by cabinet, and then it will be sent to the assembly to make it an act, and after that it will be functional and it will bring drastic change in the education sector. So education, the government is very much cognizant that without education we can't see a prosperous and peaceful Balochistan. So in the next upcoming budget, the major chunk of our funds
are being earmarked on this sector. We have been working in other bill named by essential education. We feel that students, teachers and other stakeholders are not fulfilling their duties. After passage of this bill, everyone will be bound in education sector to fulfill their responsibilities and duties. So this bill is being scrutinized by Education Standing Committee of Balochistan Assembly. So, my dear students, you will be the future leader of Balochistan. You have to develop a reading habit, a reading culture within the university. To be very frank and open, our female education in Balochistan is lagging behind. The government, with the collaboration of you, authorities of SBK, civil society, non-governmental NGOs, we will make sure about the female education of Balochistan. There is a challenge for the government that a lot of students in the Balochistan are out of schools. Now we are implementing the Chief Minister vision for modern schools, where we will equip schools with all the modern facilities and teachers. That would curb absenteeism. We will bring more students in the schools. So the meaning of my discourse is to apprise you and the students the efforts of the government being made. So once again, I am grateful to you for your generosity, and I will look forward that in future you will do and you will show the same gesture just you have shown now. And in last, I am grateful to Vice Chancellor Roxana Jamil Sahiba for inviting me over here. Thank you very much.